हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया की मोस्ट पॉपुलर गेम पबजी के बारे में। पबजी एक बैटल रॉयल गेम था जिसे एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल और चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट ने डेवलप करा था। इसके डिज़ाइनर थे ब्रेंडन ग्रीन। पबजी का पूरा फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, और इसका नाम ये इसलिए रखा गया क्योंकि इसके डिज़ाइनर ब्रेंडन ग्रीन जब भी कोई गेम खेलते थे तो वो उस गेम में अपना एलियास प्लेयर अननोन के नाम से रखते थे। पबजी की प्रेरणा उन्हें सन 2000 में रिलीज हुई जापनीज फिल्म बैटल रॉयल से मिली थी। पबजी मोबाइल सबसे पहले इंडिया में फरवरी 2018 में लॉन्च हुआ था। पबजी मोबाइल 2018 का सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड गेम था जिसके 300 मिलियन डाउनलोड्स थे, और 2019 के अकॉर्डिंग पबजी मोबाइल का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया था विथ 116 मिलियन डाउनलोड्स। पबजी मोबाइल जब इंडिया आया तो उसे धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिलने लगी। इस पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में यूट्यूबर स्ट्रीमर्स का बहुत बड़ा हाथ था। स्ट्रीमर्स जैसे डायनामो, जिनका पबजी मोबाइल का सबसे बड़ा चैनल है, मॉर्टल, स्काउट, इन लोगों ने इंडिया में पबजी को बहुत फेमस किया। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे जैसे गेम में और भी डेवलपमेंट्स होने लगी। वैसे तो ये फ्री गेम था, लेकिन प्लेयर्स स्पेशल पर्क्स पाने के लिए रॉयल पास भी खरीदते थे। इसके अलावा क्रेट ओपनिंग के जरिए अलग अलग आउटफिट्स पाने के लिए स्ट्रीमर्स लाखों रुपए तक खर्च करते थे। पबजी का सफर आगे बढ़ा और पबजी ने इंडिया में ई स्पोर्ट्स की नींव रखी। वैसे तो इंडिया में सबसे पहले ई स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने में 8-bit थग, ऑल्सो नोन एज अनिमेश अग्रवाल का हाथ था। उन्होंने पबजी में सबसे पहले इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करा था, पर क्योंकि इवेंट इंडिया के बाहर हुआ था इसलिए ये लोगों का इतना ध्यान नहीं खींच पाया। ई स्पोर्ट्स को इंडिया में पॉपुलैरिटी मिली पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज के बाद। उस सीरीज ने प्लेयर्स को बताया कि गेम को कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी खेला जा सकता है और इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज 2019 की विनिंग टीम सोल बनी, जिसके फेमस स्टार थे मॉर्टल, रौनक, ओवेस। पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज के बाद अलग अलग ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में आए और अच्छे अच्छे प्लेयर्स को स्पॉन्सर करने लगे। इन प्लेयर्स को बूट कैंप, डिवाइसेस और हर महीने सैलरी प्रोवाइड करी जाती थी। पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज के बाद इंडियन टीम्स ने ग्लोबल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करा, टीम्स जैसे सोल और आईएनडी। ये टूर्नामेंट जर्मनी में हुई थी और जर्मनी का वीज़ा पाने के लिए टीम्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि ई स्पोर्ट्स क्या होता है ये इंडिया में कोई नहीं जानता था। अभी रीसेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट पबजी मोबाइल प्रीमियर लीग 2020 में हमारे इंडियन टीम ऑरेंज रॉक ई स्पोर्ट्स ने सेकेंड पोजिशन हासिल करके सारे इंडियंस का नाम रोशन किया, जिसमें स्टार स्ट्रीमर स्काउट भी थे। इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स बढ़े जिसके चलते इंडिया ने कई सारे ऐप्स बैन करे, जिसमें टिकटॉक भी था। इसके बाद सेकेंड लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली थी जिसमें पबजी का भी नाम था, जिसके चलते पबजी ने अगस्त में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी भी चेंज करी। बावजूद इसके इंडिया ने 2 सितंबर 2020 को पबजी पे पूरी तरह से बैन लगा दिया अंडर द आईटी एक्ट 16A। इन 2 सालों में पबजी ने बहुत धूम मचाई और यंगस्टर्स का ध्यान ई स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित करा। आप पबजी के बंद होने के बाद इंडिया में ई स्पोर्ट्स का क्या होगा, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।